हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मोनू गार्डनिंग। और तो आज हम लगाएंगे छत पर कुछ पेड़ जो हमारे काफ़ी दिनों से आए हुए हैं, बट वे लग नहीं रहे हैं। ऐसे ही मैंने किसी न किसी उसमें रखे हुए हैं, जैसे कि ये कुछ मुझे शिफ्ट करने हैं, वे ख़राब होने लग रहे हैं। ये देखो, ये मेरा धूप की वजह से पूरा ख़राब हो गया है। इसकी मैं पूरे की हार्ड प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि इसके पत्ते सारे जल गए हैं और इसको मुझे छांव में रखना है और काफ़ी इसकी बुरी हालत हो गई है। तो इस वजह से मुझे ये सब आज मुझे ये अपने गार्डन में बहुत सारा करना है काम। बाकी सब ठीक है, क्योंकि मेरे जो टेरेस गार्डन है उस पर कुछ भी छत वगैरह नहीं है, मतलब कोई ग्रीन नेट नहीं है, फिर भी मेरे अच्छे खासे पेड़ चल रहे हैं। ये देखो, मेरे सारे पेड़ अच्छे से चल रहे हैं। मैं पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और पूरी दोपहर इनके ऊपर को ऐसे ही, अब की बार इतनी गर्मी हुई है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा टेरेस गार्डन अच्छा खासा है। एक दो पेड़ ही है जो मेरे ख़राब हुए हैं, और जैसे कि ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे, इसमें भी कुछ ख़राब हो गया है। ये अच्छा खासा चल रहा था, बट ये भी ऐसा हो गया है। तो कुछ ही ऐसे पेड़ है जो ख़राब हुए हैं, नहीं तो सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं पूरे टेरेस गार्डन पे। तो चलो लगाते हैं। एक मैंने बोगनविलिया एक और ली थी, जो कि मेरी ऐसे ही रखी हुई है। ये देखो, ये वाइट कलर की है। मेरे पास सभी तरह की बोगनविलिया हैं। ये डार्क पिंक, ये देसी वाली है, थोड़ी बेलनुमा वाली। ये देखो इसकी कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, ये बेल टाइप की हैं। ये येलो कलर की है, अभी इसके फूल ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए इनका कलर थोड़ा ऐसा लाइट हो रखा है। ये लाइट नहीं, थोड़ा कैसा बोलूँ मैं, ऑरेंज वाला नहीं होता जो कलर, वो वाला है ये इस वाली बोगनविलिया का। ये देखो, अभी आने लग रहे हैं, वो पुराना हो रखा है इसलिए उसका कलर ऐसा है। ये ऐसा ऑरेंज वाली है, ये लाइट पिंक है, और इसमें वाइट ब्रांचेस देखो इस तरह पूरे गुच्छों में फूल आते हैं इसमें, और फिर धीरे धीरे ये पिंक होते चले जाते हैं। ये इनसे अलग वैरायटी है। तो और ये भी मेरी बेलनुमा वैरायटी है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इतनी गर्मियों, क्योंकि इनको तो गर्मी वाला ही मौसम पसंद है। तो चलो करते हैं हम फूल। गुलाब पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट ये देखो कली है, पर ये कैसी हो गई है आप देख ही सकते हैं, इतनी इसकी बुरी हालत कली कली की हो गई है कि जल जाती है कली ना धूप की वजह से, एक दो दिन भी नहीं रहते। मैं दूसरे गुलाब पे दिखाती हूँ, उस पर अच्छा फूल आ रहा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ये ममटी है, इसकी वजह से जल्दी छाया आ जाती है, तो ये अच्छा खासा चल रहा है। बट ऐसे भून जाते हैं ना फूल, इस पर भी थोड़ा इफेक्ट आया हुआ है। तो ये आप देख ही सकते हो कि कैसे हो गया है फूल, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है उनसे, क्योंकि इस पर इतनी धूप नहीं आती ना, दोपहर में थोड़ी छाँव आती रहती है इस टाइम आकर, फिर थोड़ा इधर सूरज निकल जाते हैं तो थोड़ी सी धूप इस टाइम आती है। और एक ये देखो, ये थोड़ी बोनजाई वाली है मेरी बोगनविलिया, ये छोटी रहती है, इस पर काफ़ी फूल आते हैं। ये देखो कितने ज़्यादा फूल आ रखे हैं। तो यही एक दो पेड़ है जो मेरे ख़राब हो रखे हैं, उनको मैं शिफ्ट करूँगी। कुछ नए ले रखे हैं, ये आलमंडा है, ये भी मैंने अभी लिया था, इसको 4-5 दिन हो गए हैं इसको रखे रखे, तो आज ये भी लगाऊँगी मैं आलमंडा का भी। और ये अभी तूफान आया था उसमें सारा ये ख़राब हो गया है, मतलब सोरई इसका गमला टूट गया था, तो ये वैसे ही रख रखा है मैंने। इस वाले मैं नीचे सिलाई हूँ, ये नीचे रखा था एंट्रेंस पे, तो इसमें मैं नीचे से जो किचन वेस्ट हैं, खीरे ख़राब वगैरह हो रखे थे, वो मैं नीचे से एकदम से ही डाल के ले आई थी सब चीज़ें। ये मैं खाद वाली बाल्टी में डालूंगी, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी हद तक
जितनी गर्मी पड़ी है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे मेरे पेड़ चल रहे हैं। थोड़े से इस तरीके से ख़राब हो गए हैं, झुलस गए हैं, मतलब मेरे कहने का ही है, इनका कलर थोड़ा इफेक्ट हो गया है। तो चलो हम लगाते हैं अब जा अपने प्लांट्स। ये भी मैंने ऐसे ही कटिंग लगाई थी ना, तो अब मैं इनको इसमें शिफ्ट करूँगी। ये मैंने ऐसे ही रख रखे हैं इसमें पॉट, ताकि ज़्यादा जल्दी ये सूखे ना, तो मैंने कैरेट में लगा दिए थे ऐसे ही। आज इनको भी मैं कैरेट में ही शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि कैरेट में और अच्छे से ग्रो करेंगे। कैरेट काफ़ी बड़ी है ना, तो इसमें ज़्यादा मिट्टी आएगी। ग्रो तो उसमें भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज मेरे यही छोटे मोटे काम जो गर्मी की वजह से नहीं हो रखे हो रहे थे और ख़राब हो रहे थे, तो मैं यही सब का आज काम करूँगी। पेड़ लगाने के लिए हमने ले लिया है मिट्टी यहाँ पर, और ये मेरा कुछ टेरिस गार्डन वेस्ट है जो कि घास वगैरह निकलता रहता है गमलों में से, तो वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और कुछ सूख गया है, ऐसे ही कभी कभी उखाड़ देती हूँ ना जब भी ऊपर जाती हूँ, तो कुछ सूख गया है, कुछ आज ही निकाला था, तो वो अभी ग्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं सारी मिट्टी बनाऊंगी अपनी वेल ड्रेन, तो उसके लिए मैंने पहले मिट्टी लिया है और फिर लिया है मैंने ये जो हमारा लकड़ी का जो वेस्ट होता है ना, मतलब उसको बरूदा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये लकड़ी का बरूदा है। और ये ले लिया है मैंने गोबर की खाद, तो मैंने खाद तो कम ही डाली है क्योंकि इन दिनों में गर्मी हो रखी है, तो हम ज़्यादा खाद नहीं डाल सकते, जिस नहीं तो पेड़ हमारा मर जाएगा गर्मी की वजह से। और गोबर की खाद देखो बिल्कुल काली है, अच्छे वाली खाद है। तो मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी एक जगह और हमारी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी। और इसमें मैंने और भी मिट्टी डाली थी क्योंकि जो मेरी ये है क्या नाम, लकड़ी की जो लकड़ी का जो बरूदा है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मिट्टी कम रह गई थी, तो मैंने थोड़ी और मिट्टी डाली है, तब जाके ये थोड़ा ठीक हुआ है। क्योंकि ज़्यादा वेल ड्रेन भी, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पानी होल्ड करके रखता है अपने अंदर, लकड़ी जो है वो गीली रहती है काफ़ी देर तक, तो इस वजह से इतना भी हमें वो नहीं करना कि पेड़ हमारी गल जाए ज़्यादा पानी की वजह से। ये कोको बीट बालू इन सब का काम करता है, और उससे भी ज़्यादा हमारे इसमें कोको बीट से भी ज़्यादा इसमें अच्छी मात्रा में हमारे पास जो खाद है जिससे हमें पोषण मिलता है हमारे पेड़ों को, तो वो हमारा कोको बीट से भी ज़्यादा हमारी लकड़ी के बरूदे में रहता है, कैल्शियम पोटास सब चीज़ रहता है लकड़ी में, तो इस वजह से मैं इसका यूज़ ज़्यादा अच्छा मानती हूँ कोको बीट से और बालू से। वैसे ही हमारे मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन लकड़ी का जो बरूदा है उसमें जो भी हमारे पेड़ों के लिए अच्छे होते हैं, पोटाश, कैल्शियम, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लकड़ी में, तो वो हमारे पेड़ों को इस लकड़ी के बरूदे से ही मिल जाती है, और इसीलिए मैं इसको डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैं ले आई हूँ अपने किचन गार्डन है मेरे नीचे, उसमें से भी मेरी ऐसे ही वेस्ट निकलता रहता है, मतलब घास जमती रहती है, कुछ भी कूड़ा वगैरह, क्योंकि वो ज़मीन में है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जमता ही रहता है, तो इस वजह से मुझे वो उखाड़ना पड़ता है, तो उसको मैं एक जगह इकट्ठा करती रहती हूँ, इसीलिए गमलों में मुझे काम आ जाता है, तो इसलिए मुझे वो मैं उसको एक जगह ही डालती रहती हूँ, जो भी मेरा वहाँ से घास वगैरह निकलता है उसको मैं उखाड़ती हूँ, तो वहीं पर ही एक जगह सूखता रहता है। और जब मैं ऐसे पेड़ वगैरह लगाती हूँ अपने गमलों में, तो मैं उनको नीचे डाल लेती हूँ ताकि गमले में ज़्यादा वेट ना पड़े, क्योंकि टेरिस पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गमलों में ज़्यादा वेट ना हो, तो इसी वजह से मैं मिट्टी में भी ज़्यादा मैं वेल ड्रेन रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी कम रखती हूँ और जो लकड़ी का बरूदा होता है वो ज़्यादा रखती हूँ, तो इसी वजह से मेरे जो गमले हैं वे काफ़ी हल्के होते हैं, कोई भी उनको उठा लेता है, इधर उधर रख सकता है, इतने हल्के मेरे गमले रहते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी कम और खाद भी, मैं सर्दियों में खाद भी ज़्यादा रखती हूँ मिट्टी से, लेकिन अभी गर्मी हो रखी है तो इसलिए हम इसमें खाद ज़्यादा नहीं रख सकते, खाद की क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। और जो आजकल गर्मी हो रखी है उसमें भी ये जो लकड़ी का बरूदा है ये काफ़ी पानी होल्ड करके रखता है अपने अंदर, लकड़ी जब गीली हो जाती है एकदम से तो नहीं सूखती ना, वो धीरे धीरे सूखती है, तो इसलिए
हमें पानी की भी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पेड़ों की वो भी फुलफिल हो जाती है इससे। और इतनी गर्मी में तो हमें ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए, और सर्दियों में थोड़ा कम कर ले, लेकिन करना चाहिए क्योंकि इसमें पोटास, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे होती चीज़ें होती है जो हमारे पेड़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गमला अपना तैयार कर लिया है, अब मैं दूसरा पॉट लगा रही हूँ। पहले वाले में मैंने लगाई है बोगनविलिया वाइट वाली, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी, और अभी मैं लगा रही हूँ इसमें आलमंडा का पेड़। तो ये मैं इसमें सारे अपने जितने भी पेड़ हैं उनको लगा लूँगी, जो मेरे ख़राब हो रखे हैं उनको भी मैं रिपोर्ट कर लूँगी। मैंने आप लोगों को अभी बाद में सॉरी पहले दिखाए थे कि मैंने कौन कौन से पेड़ मेरे ख़राब हो रखे हैं और कौन कौन से मुझे लगाने हैं, तो मैं इन सबको लगा लूँगी। अभी मुझे इनमें लगाते लगाते काफ़ी देर हो गई थी, लेट हो गया था, अंधेरा ही हो गया था, क्योंकि कटाई जो पुराने पेड़ खराब हो गए थे उनकी मुझे कटाई भी करनी पड़ी, और मतलब हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ी एक पेड़ की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा। और कुछ मेरे नए पेड़ थे वो मैंने लगा ही लिए, और अभी ये देखो आप, कुछ के मैंने पॉट शिफ्ट किया है क्योंकि बहुत से पॉट ऐसे होते हैं जिसमें पेड़ नहीं चल पाते, तो इसलिए मैंने कुछ पॉट भी चेंज किए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सुबह के टाइम पानी दे रही हूँ, वैसे मैंने रात को भी पानी दे दिया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना था इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने इसमें अच्छे से पानी दे दिया, अब इनको मैं रख दूँगी छाँव में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी कर देना। ओके।